तो स्वागत है वार्षिया एजुकेशन हब में। हम लोग जैसे क्लास टेन का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, एग्जाम्पल द्विघात समीकरण पढ़े, जो चैप्टर फोर के अंतर्गत आता है, जिसका हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, कुछ एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 12 से करना था। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 12 करेंगे, उसके बाद फिर से एक्सरसाइज करेंगे, जो एक्सरसाइज होगा 4.3। इसके बाद हम लोग को एक और एक्सरसाइज करना रह जाएगा, इसमें 4.4 दो एक्सरसाइज और बचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसमें करने वाले एक्सरसाइज, पहले एग्जाम्पल करेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 12 नंबर बचा हुआ है, 12 और 13 और 14 15 एग्जाम्पल्स में है इस एक्सरसाइज के पहले, 4.3 के पहले। तो पहले 12 नंबर सारा कोई सबके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, और बुक में सारा कोई अपना क्वेश्चन पढ़ेगा, देखेगा, उसके हिसाब से समझेगा जो समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। आयताकार का मतलब सबको पता है कि जैसा कैसा आकार होता है, बुक का भी आकार क्या होता है, आयताकार होता है। तो आयताकार एक पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से क्या हो, 3 मीटर कम हो। तो बोला गया जिसका चौड़ाई जो होगा उसकी लंबाई से कितना होगा, मतलब चौड़ाई का संबंध दिया हुआ है लंबाई के साथ, इसीलिए हम लोग लंबाई को क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे x, और उसको हम लोग चौड़ाई को x के पद में लिख देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज के पार्क का, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। तो एक क्या है, इसका क्षेत्रफल पहले से एक निर्मित किस पर, समबाहु त्रिभुज त्रिभुजाकार पार्क, जिसका आधार जो है वह आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई के 12 मीटर है। तो उस वर्ग 4 वर्ग मीटर अधिक हो, लिखा हुआ है जिसका 4 वर्ग मीटर अधिक हो, तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो जैसे देखो पहले जितना भी क्वेश्चन शुरुआत में दिया जाता था, तो पहले उसको पढ़ के उसके साथ मान लिया करेंगे, तब एक एक स्टेप आगे जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा क्लियरली। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें मानना क्या है कि जो आयताकार पार्क है उसके लंबाई को मानना है, और फिर लंबाई को मानकर उसी के पद में हम लोग को चौड़ाई का मान निकालना रहता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 12, माना कि आयत की लंबाई x मीटर है। जब आयत की लंबाई x मीटर है तो इसमें बोला क्या गया है कि जितना आयत की लंबाई होगा, जो लंबाई होगा, चौड़ाई क्या है, लंबाई से 3 कम है। चौड़ाई हम लोग लिख सकते हैं, चौड़ाई बराबर आयत की लंबाई से 3 कम है। लंबाई कितना है, x है, इससे 3 कम है, मतलब इसमें माइनस कर देंगे 3। ये लंबाई और चौड़ाई आयत का पता चल गया। अब इसके बाद जो बोला उस पर हम ध्यान देते हैं कि इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल। जो आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत के क्षेत्रफल पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, जिसका आधार आयत के पार्क के चौड़ाई के बराबर तथा लंबाई 12 मीटर है। तो सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है जो त्रिभुजाकार पार्क है वो कहाँ पे है, एक आयत पहले बना लेते हैं। तो आयत के, ये आयत हो गया, मान लो कि ये आयत की लंबाई है, ये आयत की लंबाई हम लोग x माने हैं, और जो चौड़ाई है उसको क्या माने, x माइनस 3 माने, क्या आयत चौड़ाई x माइनस 3। और इसके ऊपर क्या किया गया, एक समद्विबाहु जो इसका आधार है, जो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है वो आयत के, पढ़ सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आयत के चौड़ाई पे है। तो ये आधार हो गया, और इस पर इसके आधार में हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिए, और समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है कितना है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर है। तो ये ऊंचाई 12 मीटर है, इसका आधार इतना है। अब यहाँ पर सबका पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। तो हम लोगों के दोनों के क्षेत्रफल में संबंध दिया हुआ है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है और ये जो आयत है, दोनों के क्षेत्रफल में संबंध दिया हुआ है। उस संबंध को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। बोला है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 4 वर्ग मीटर अधिक।